जैसा कि तुम जानते हो कि आने वाला है नया साल और इस समय छा जाती है हर इंसान पे खुमार, क्योंकि नया साल और पुराना माल जब आता है ना तो बहुत मजे देता है। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें पता है नए साल के अपने ही चुतियापे होते हैं। इस टाइम तुम करना कुछ और चाहते हो और तुम करते कुछ और हो। तो आज हम ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आशिकों के बारे में। ये वो लोग होते हैं जो पूरे साल 1 जनवरी आने का इंतजार करते हैं और प्लान बनाते हैं कि इस बार वो पूजा के घर जाएंगे, गेट खटखटाएंगे और पूजा को बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर और पूजा फिर इनसे सेट हो जाएगी। और फिर 1 जनवरी को ये पूजा के घर जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, पूजा गेट खुलती है और जैसे ही ये बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, पीछे से पूजा का बाप आता है और बोलता है, तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। अब हम बात करेंगे बेवड़ों के बारे में। ये वो लोग होते हैं जो 31 दिसंबर की रात को एक हाथ में प्लास्टिक का ग्लास और दूसरे हाथ में सुंदरी बीड़ी लेकर बैठते हैं और जैसे ही 3 पैग इनके अंदर जाता है, इनके अंदर का इंसान बाहर निकल आता है और ये एक दूसरे से बोलते हैं कि बस ये आखिरी पैग है, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, दारू बिल्कुल बंद। और तभी इनकी नजर घड़ी पे जाती है और ये देखते हैं कि 12 बज चुका है, मतलब कि नया साल शुरू हो चुका है। इसके बाद ये ढूंढते हैं लॉजिक, इसलिए क्योंकि वो जो बची हुई आधी दारू है उसे कैसे खत्म किया जाए। और तभी इनमें से एक बेवड़ा खड़ा होता है और बोलता है कि भाई नया साल कल से शुरू हो रहा है, कल से दारू बंद, इसे तो खत्म कर। और फिर क्या, लॉजिक फैक्ट, दारू खत्म। अब हम बात करेंगे प्रेमी जोड़ों के बारे में। ये लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये लोग 31st की नाइट को पब में जाते हैं, दारू पीते हैं, गांड हिलाते हैं और उसके बाद उल्टे करके नींबू चाट के वापस घर चले जाते हैं। और उसके अगले दिन ये पार्कों में जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे की चुम्बी लेते हैं और फिर बस। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग वीडियो छोड़ के पॉर्न देखने चले जाओगे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें नए साल और पुराने साल से कोई मतलब ही नहीं होता। तुम अगर इनके पास जाओ और बोलो भाई नया साल आने वाला है तो ये तुम्हें उल्टा जवाब देंगे, हाँ तो भोसड़ी के क्या करूं मैं। अगर ऐसे लोग तुम्हें मिले तो समझ लेना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले से प्लानिंग की थी कि 31st की नाइट को हम पाई पाई जोड़ेंगे, 4 दोस्त मिलेंगे, 4 पैक बनाएंगे, पौआ अंदर डालेंगे, लेकिन इनकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो बस यार आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करो, वेट मत करो क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।